रायबली हाईटेक में कलची छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्रा टीजीटी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कर रही थी। पुलिस ने नकलची छात्रा उसके सहयोगी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शहर स्थित पालिका इंटर कॉलेज का है, जहां टीजीटी द्वितीय पारी की परीक्षा हो रही थी। उसी दौरान एक कक्ष के कक्ष निरीक्षक को सीमा यादव नाम की छात्रा पर शक हुआ। कक्ष निरीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी प्रधानाचार्य को दी। प्रधानाचार्य ने छात्रा की तलाशी ली तो वह हैरत में पड़ गई। दरअसल छात्रा वायरलेस माइक्रो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रही थी। प्रधानाचार्य ने तुरंत सहयोगियों को बाहर भेजा तो वह सीमा को नकल में सहयोग कर रहे उनके जीजा को गिरफ्त में ले लिए। प्रधानाचार्य की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी मनीष के साथ। आज दिनांक 8 अगस्त को जनपद रायबरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में TGT के द्वितीय पाली की परीक्षा में एक महिला परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया। उसके एक और सहयोगी जो उसका रहनोई बताया जा रहा है, उसको भी कॉलेज के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।